अस्सलामुअलैकुम, वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, गूगल ने दो रूसी ISPs पर कैशिंग सर्वर बंद कर दिए। नया ERMAC 2.0 एंड्रॉइड मालवेयर 467 ऐप से अकाउंट्स बटवे चोरी करता है। तेज OS के सार्फिन ने टू ब्राउजर्स की खामी दूर होने तक खबरदार किया। होटल रेजोल्यूशन के लिए स्टब हब बनाने के लिए NFTs इस्तेमाल करते हैं। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहे वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज। खबरें तफसील के साथ, गूगल ने दो रूसी ISPs पर कैशिंग सर्वर्स बंद कर दिए। दो रूसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs को गूगल की जानिब से नोटिस वसूल हुए हैं कि इनके नेटवर्क पर आलमी कैशिंग सर्वर्स को गैर फाल कर दिया गया है। एक कैशिंग सर्वर एक ISP से मुंसलिक नोड है जो कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को गूगल के मवाद को तेजी से पेश करता है और बंदिश के दौरान भी आला रसाई की विश्वसनीयता को बरकरार रखता है। मकबूल YouTube मवाद के लिए कैशिंग सबसे अहम है, जिसे ISP सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं और तेजी से लोड कर सकते हैं, जिससे इनके सब्सक्राइबर्स को कनेक्शन का एक बेहतर तजर्बा मिलता है। रूसी खबरसा अदारों ने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि इस अचानक इकदाम से कौन से इदारे मुतासिर हुए हैं और तस्दीक की है कि फोकस लाइव और MIPT टेलीकॉम फिलहाल गूगल के फैसले से मुतासिर हैं। नया ERMAC 2.0 एंड्रॉइड मालवेयर 467 ऐप से अकाउंट बटवे चोरी करता है। ERMAC एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन ने वर्जन 2.0 जारी किया है, जिससे 378 और 467 तक हदफ बनाए गए एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ गई है, जिसमें अकाउंट्स की असनाद और क्रिप्टो बटवे चोरी करने के लिए एप्स की बहुत वसी रेंज का अहाता किया गया है। ट्रोजन का मकसद चोरीशुदा लॉगिन असनाद को धमकी अमेज अदाकारों को भेजना है, जो फिर इनका इस्तेमाल दूसरे लोगों के बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स का कंट्रोल संभालने और माली या दिगर किस्म की धोखाधही के लिए करते हैं। ERMAC फिलहाल डार्क नेट साइट के मेंबरान को $5,000 फी महीना की सब्सक्रिप्शन रेट पर फरोख्त किया जाता है, जो कि पहले वर्जन के प्राइस टैग पर $2,000 है, जो फीचर्स में अपग्रेड और इसकी मकबूलियत की अकासी करता है। टेल्स OS के सार्फिन ने टू ब्राउजर्स की खामी दूर होने तक खबरदार किया। टेल प्रोजेक्ट दी अमेनिसिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम की देखभाल करने वाले सार्फिन को खबरदार करते हैं कि OS के साथ पिंडल टू ब्राउजर्स इनकी हसास मालूमात को बेनकाब कर सकता है। टीलिंक सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर मबनी लिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो निगरानी और सेंसरशिप से तहफ्फुज फ्राहम करता है। इंतबाह की बुनियादी वजह दो अहम सिफर दिन के मसाइल हैं, जिनको CVE-2022-1802 और CVE-2022-1529 के तौर पर ट्रैक किया गया है। फायरफॉक्स ब्राउजर्स में, जिसे मोजिला ने मई में हल किया था, खतरात की इतला मैनफ्रेड पाल ने पॉन टू ऑन 2022 हैकिंग मुकाबले के दौरान दी थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते विनकवर में हुआ था। होटल रेजोल्यूशन के लिए स्टब हब बनाने के लिए NFTs इस्तेमाल करते हैं। इजाफी इन्वेंट्री में फंस जाने से बचने के लिए जब मेहमानों के आखिरी लम्हात में मनसूख हो जाते हैं, तो कुछ होटल मालिकान अब कमरे की रातों को फरोख्त के लिए नॉन फेजल टोकन NFTs में तब्दील कर रहे हैं, जिन्हें होटल के मेहमान खरीदना या फरोख्त कर सकते हैं, जैसा कि कॉन्सर्ट और खेलों की तकरीब में स्टब हब मार्केट की तरह है। टिकट मालिकान का कहना है कि ये यकीनी बनाता है कि इन्हें कमरों के लिए अदायगी की जाए, क्योंकि अगर मेहमान ना जाने का फैसला करते हैं तो वो अपनी बुकिंग मार्केट में फरोख्त कर देते हैं, और ये क्रिप्टो पुरजोश मुसाफिर को अपील करेगा जो शायद रवायती ज़राए से बुकिंग नहीं करना चाहते। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने से मेहमान बज़ाहिर रियायत पर एक कमरा बुक कर सकते हैं, जो होटल काबले वापसी रेजोल्यूशन के लिए वसूल करेगा। मज़ीद मालूमात पर ज़मोंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या ज़मोंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।